नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर लाहौर प्रेस क्लब में आलिया खान है, जो कि गवर्निंग बॉडी की मेंबर भी हैं, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट का इस वक्त तो पॉलर के रेट्स की, तो पॉलर के रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो आसमानों को छू रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आलिया खान को दाद देना चाहूँगी, केरन वेलफेयर को मुबारकबाद, आलिया खान को भी कि उन्होंने इतना खूबसूरत अरेंजमेंट किया है। यहाँ पर प्रेस क्लब की जो मेम्बरान ख्वातीन हैं वो मौजूद हैं, उनके बच्चियाँ मौजूद हैं, मेहंदी लगवाई जा रही है, फेशियल करवाए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो है वो हमारी आलिया खान जो गवर्निंग बॉडी की जो रुकन है, उसने हमारे लिए बहुत अच्छा एहतमाम किया है किरण वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से, और सब लड़कियाँ सब बच्चियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं और सब जो है वो चेहरे मजीद निखर गए हैं और ईद की खुशी जो है वो दुबला हो गई है। और किरण वेलफेयर फाउंडेशन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उसने हमें जो है वो खास तौर पर जो ये सर्विस जो है वो ये मुहैया की है। और मैं ये देख रही हूँ कि ना सिर्फ ये कि हमारी खवातीन मेंबर आ रही हैं बल्कि फैमिलीज़ जो हैं वो भी आ रही हैं, तो अगर हम कहीं और जाते तो यकीनन जो है इस महंगाई के दौर में हमारे पैसे भी होते, वक्त भी अलग से करना पड़ता, तो सब यहाँ पे आ गए हैं और इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बच्चियाँ हैं ये बहुत कोऑपरेट कर रही हैं, जैसे हम कह रहे हैं उसी तरह हमारा काम कर रही हैं, लड़कियाँ निखर रही हैं, खवातीन भी निखर रही हैं, लोग फैमिली अपने जो मेम्बर हैं उनकी फैमिलीज़ भी आ रही हैं और हम सब खुश हैं। और वक्तन फवक्तन इस तरह का इवेंट होना भी चाहिए और इस परफॉर्मेंस पर मैं इनको किरण वेलफेयर फाउंडेशन वालों को मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह इनके और मतलब इजाफा करे इनकी कारकर्दगी में। तो बहुत शुक्रिया इस हवाले से प्रेस क्लब वालों का भी, ये भी हमारे साथ तावन कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आलिया खान का कि उन्होंने हमें मौका फरहम किया कि हम एक ही जगह पर बैठ ये सारा काम करवा रहे हैं, प्लकिंग से लेकर फेशियल, हेयर कटिंग सब कुछ, मेहंदी, ये बच्चे भी लगवा रहे हैं और हम खुश हैं इस हवाले। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आलिया खान हूँ और मेंबर लाहौर प्रेस क्लब गवर्निंग बॉडी हूँ। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि प्रेस क्लब जो है वो एक फैमिली क्लब होना चाहिए, और इस फैमिली क्लब को फैमिली क्लब बनाने के लिए इस तरह के इकदाम करने बहुत ज़रूरी थे। जिस तरह से हम जानते हैं ईद का मौका है, ईद का त्यौहार है, और ख़वातीन को ख़ास तौर पर हमारे जैसे प्रोफेशन में ख़वातीन को अपने ऊपर तवज्जो देने का टाइम बहुत कम मिलता है, और खुसूसी तौर पे अपना वक्त निकाल के, घर से वक्त निकाल के और जॉब से वक्त निकाल कर पार्लर पर जाने का और फिर ख़ास तौर पर पैसे खर्च करने का बहुत कम टाइम मिलता है। ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि अच्छा चलें हम इतने पैसे ना खर्च करें, लेकिन मैंने कोशिश की और मैंने इस तरह का प्लान किया कि किरण वेलफेयर फाउंडेशन, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं आंसा भट्ट, उनकी ज़ेरे एहतमाम ये किरण वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। ख़वातीन बच्चियों को जो मतवसत घराने से जिनका ताल्लुक है और बेरोज़गार ख़वातीन, उनको ये ट्रेनिंग देते हैं, उनके तहत ये बच्चियों को अपने पैरों पर उनकी इतनी स्किल डेवलपमेंट कर देते हैं कि वो अपने लिए रोज़गार अच्छे तरीके से रोज़गार हासिल कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे जो हमारी मेरी क्लब की बहनें थी उनके लिए ये बहुत अच्छा एहतमाम किया गया। यहाँ पर हम स्किन पॉलिशर की, फेशियल की, कटिंग, आईब्रो थ्रेडिंग और हर चीज़ की सहूलत दे रहे हैं। और इसके अलावा जो मेल मेम्बरान है, मुझे सब ने गिला किया और सब ये कहते थे कि आलिया तुम हमने भी तुम्हें वोट दिया है, तुम हमारे लिए भी मेंबर गवर्निंग बॉडी हो, हमारे लिए क्या कर रही हो। तो ये उनकी फैमिली के लिए है और उनको बाद में पता चला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर लोग जो हैं, तमाम मेंबरान अपनी फैमिलीज़ को, बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि छोटी छोटी बच्चियाँ मेहंदी लगवाने के लिए आ रही हैं, और ये हमारे लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन इकदाम है और सब लोग खुश हो रहे हैं और सब लोगों को जो है ना इस मेरे इस इकदाम से खुशी हो रही है, तो मेरे लिए ज़्यादा फ़ख्र की ये बात है। हमें ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, फेशियल की, मेहंदी लगवाने की, मैंने भी बड़ी अच्छी मेहंदी लगाई है और बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि हर साल ये ऐसा इंतज़ाम किया जाए ख़वातीन के लिए, ताकि उन्हें जो है ना आके प्रेस लाहौर प्रेस क्लब में खुशी हो। और वाकई अब ये जो है ना एक फैमिली क्लब बन गया, जिसमें ख़वातीन जो है वो जोग दर जोग आती हैं और आके यहाँ बहुत खुश होती हैं, उन्हें बहुत अच्छा माहौल यहाँ मिलता है। आलिया खान की ख़ास तौर पर बहुत इसके लिए काविश है कि उन्होंने किरण वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिल के यहाँ एक बहुत अच्छा इहतमाम किया ख़वातीन के लिए, और ख़वातीन बहुत खुश हैं जी। इस वक्त हमारे साथ किरण वेलफेयर फाउंडेशन के मैनेजमेंट से एक खातून मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि किरण वेलफेयर फाउंडेशन जो आज यहाँ पर ब्यूटी पार्लर के हवाले से एक्टिव है और काम कर रही है लाहौर प्रेस क्लब में, तो ये क्या कहती हैं इसके अलावा किरण वेलफेयर फाउंडेशन जी। आई एम राशिदा, मैं किरण वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आई हूँ। हम लोग वहाँ एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं, हमारी 4 ब्रांचेज हैं
दो हमारी हैं गांव वाली साइड पे और दो लाहौर सिटी में काम कर रही हैं। तो इधर हम लोग बच्चियों को सिलाई का स्टिचिंग के मुकम्मल काम सिखा रहे हैं और इसके अलावा लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं, सलून की क्लासेस होती हैं। माशाल्लाह से बच्चियां इधर आई हैं, काम कर रही हैं, हमें देख के बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो हम स्पेशल पैकेज उनके लिए भी रखा हुआ है जो मुस्तिक ख़ानदान हैं, उनके लिए हमने खसूसी पैकेजेस वगैरह रखे हुए हैं। तो सारी बच्चियां माशाल्लाह ट्रेंड हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, यहाँ आई हैं, हमें आलिया खान ने इनवाइट किया, हमें बहुत खुशी हुई है। तो सब बच्चियों ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। जी नाज़रीन, तो आपने देखा ख़वातीन बहुत खुश है इस वक्त, लाहौर प्रेस क्लब की रौनकें जो हैं वो बहाल हो चुकी हैं। एक टाइम था कि लाहौर प्रेस क्लब में ख़वातीन का आना जाना बहुत कम था, लेकिन आज यहाँ पर ख़वातीन आके बहुत खुशी महसूस कर रही हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। लाहौर प्रेस क्लब इस वक्त एक फैमिली प्रेस क्लब की तरह नज़र आ रहा है और ख़वातीन मेहंदी लगवा के अपने वो काम करवा के जो कि बहुत इस वक्त महंगाई के दौर में बाज़ूकात नहीं करवाए जा सकते, तो बहुत खुश हैं। इसके साथ साथ ही कैमरामैन फरीफ अयूबी के साथ शाहीन ब्रिक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।